सभी प्रधान हम मिलकर सीपीएस महोदय से मिले और हमने जो मनरेगा में जो हम लोगों को नई शर्तें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई हुई है उससे जो परेशानी हो रही है उसके कारण जो हम सीपीएम महोदय से मिले कि उनको प्रॉब्लमें बताई, जैसे ऑनलाइन मनरेगा हाजिरी और दूसरा 20 फाइलों की जो बात है, ये नई शर्त है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डाली हुई है, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हमारे कई वार्ड मेंबर ऐसे हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है और जो ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगवा सकते। और दूसरी बात जो 20 फाइलों की है, पिछले 10 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी मनरेगा का पैसा नहीं आया हम लोगों को। जो सीमेंट था हमारा, जो रेत का था, उसका कोई भी पैसा नहीं आया, जिसके कारण हमारे पुराने पेंडिंग काम रहे हैं। तो अब दूसरी नई शर्त ये डाल दी कि 20 फाइलें ही लेंगे, उससे ऊपर नहीं लेंगे, जिसके कारण हम लोगों को पंचायत में दिक्कतें आ रही है और लोगों को लग रहा है कि प्रधान शायद हम लोगों से भेदभाव कर रहे हैं या इस तरह की लोगों के बीच में जो मन मुटाव पैदा हो रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों को पंचायत चलाने में समस्या क्रिएट हो रही है। जो हाजिरियां 3 टाइम के लिए बताया गया केंद्र सरकार की तरफ से, देखिए मैंने ये बात बोल भी दी आपको कि भाई हम लोगों के कुछ एक क्षेत्र, हमारी एक स्थिति जो भौगोलिक स्थिति है हिमाचल प्रदेश की, हमारे यहाँ पे कई जगह नेटवर्क नहीं होते हैं, और दूसरी बात अगर नेटवर्क भी होते हैं तो कुछ हमारे जो वार्ड मेंबर हैं वो बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं है, जिसके कारण कि वो फोन ऑपरेट करना नहीं जानते हैं। तो वो लोग हम लोगों को बार बार कह रहे हैं कि प्रधान जी हम लोगों से ये बात नहीं हो पाएगी, प्लीज इस मुद्दे को उठाएं। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जो आपने नई शर्तें डाली है इनको वापिस लें, खास करके हिमाचल प्रदेश में इस तरह की बात नहीं हो पाएगी।